करते हैं इस साल के इफ्तार पार्टी के ब्लॉग में हमारे कॉलेज मौलाना साहब में हर साल की तरह इस साल 2024 में भी इफ्तार पार्टी का इनेकाद हुआ। तो चलिए दिखाते हैं क्या है। सबसे पहले हम आ गए किचन साइड में, ये देखिए हमारे जूनियर है जो बहुत अच्छे से चिकन को पैक कर रहा है। यहाँ पर सारा पैकिंग का काम चल रहा है। हमारे यहाँ इफ्तार को कॉलेज में तैयार किया जाता है। और ये देखिए हलीम कितना ही बढ़िया से डेग में बन के तैयार है और इसे बहुत ही साफ एकदम प्यार से निकाल रहे सारे डब्बे में। फिर यहाँ से वो निकलने के बाद पैक होने के लिए जाएगा। तो वहाँ पर काम चल रही है। देखिए एक साइड से चिकन कसा रखा हुआ है, एक साइड से हलीम को पैक किया जा रहा है। तो मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ यार, क्योंकि नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने भी थोड़ा सा हेल्प करा पैकिंग वैकिंग में, और भी बहुत सारे काम है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बांटने आ गया। ये वाले काम के बाद भी मेरा बहुत सारा काम था, तो मैं उतना लंबा तो दिखाऊंगा नहीं तो वीडियो बढ़ जाएगा। बाकी सारे लोग मिल करके नहीं आए थे, मेहनत से काम को कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर में गर्ल्स का इंतज़ाम था। और यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर पराठा को पैक किया जा रहा है आराम से, ताकि ठंडा ना हो सके इस तरह के पेपर में। एंड उसके बाद फिर अलग से थोड़ा सा कुछ यूनियन रूम में इंतजाम था। उसके बाद ये हम लोग का फ्रूट कस्टर्ड बनाया गया है, जो कि थोड़ा इस बार येलोइश कलर में था बट बहुत टेस्टी लग रहा है। तो फिर वो तो इफ्तार के बाद पता चलेगा कि कैसा है। चलिए देखते हैं कितना गाढ़ा है क्या है। थोड़ा सा मैंने देखा है, ये देखिए देख करके तो टेस्टी लग रहा है। फ्रूट्स की क्वान्टिटी काफ़ी ज़्यादा है एंड दूध का भी, तो होप सो बहुत टेस्टी होने वाला है। तो उसको चलिए नीचे चलते हैं। नीचे जा कर के ये देखिए मस्जिद के अंदर का हालत है। हमारे कॉलेज के अंदर एक नहायत ही खूबसूरत सी मस्जिद है और यहाँ पर सब नमाज़ पढ़ रहे हैं और आराम कर रहे हैं। थोड़ा सा एसी का हवा जो थक गए हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इफ्तार लग चुका है ऑलमोस्ट बाहर मेन कैंपस पे। हर बार हमारा जो हॉल पे होता था बट इस बार हॉल पे नहीं हो रहा है, कैंपस पे हो रहा है, क्योंकि आर्मी वाले हैं। और यहाँ पर देखिए ये सब 0.05 वगैरह जो ग्राउंड फ्लोर का रूम है सारे में लग चुका है। और ये देखिए आप लोग भी आकर के बैठना शुरू कर दिए हैं इफ्तार लगने के बाद। तो आप लोग देख सकते हैं भीड़ होना शुरू हो गई है। तो इस बार आर्मी वाले हैं तो इस वजह से हॉल पे नहीं हो रहा बट कैंपस पे हो रहा। तो चलिए देखते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। आप लोगों को मैं लास्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको चेक कर लेना आप, ठीक है। इस रूम में भी देखिए लग चुका है, मतलब इनकम्प्लीट है बट लग जाएगा तब तक, क्योंकि लोग आने वाले काफ़ी भीड़ हो जाएगी। अभी तो शुरुआत हुई है। और ये देखिए ऊपर में भी गर्ल्स सेक्शन में भी लड़की बैठना शुरू कर दिए। तो हमारे कॉलेज में जो इफ्तार पार्टी होता है वो कोई एक पर्टिकुलर तबका या समाज या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ऑल के लिए होता है और एज जनरल होता है, बाहर से भी करवा सकता है। और यहाँ पर शरबत को निकाला जा रहा है ब्लूजम को, और ब्लूजम को निकालने के बाद ये देखिए ये लोग कुछ लोग बैठे हुए आराम से, जिन्हें रोज़ा लग चुका है आई थिंक सो, बट कोई नहीं, बैठ के ये लोग आराम कर रहे हैं। इन लोगों को यहाँ पर इफ्तार करना है इंडियन रूम पर। तो चलिए चलते हैं, अब दिखाते हैं आप लोगों को। नीचे भी लोगों ने भीड़ लगाना शुरू कर दिया है। कितना खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत मंजर है, एक बाबरकत महीना का बाबरकत सा एक प्रोग्राम या इफ्तार पार्टी बोल सकते हैं। देखिए सब कितना आराम से बैठ रहे हैं एक साथ मिलजुल करके, कोई भेदभाव नहीं होता हमारे कॉलेज में, कोई हिंदू मुस्लिम इस तरह नहीं, सब मिल करके एक साथ इफ्तार करते हैं गाइस। नहायत ही खूबसूरत मंजर होता है ये, साल का एक बार जो हम लोगों को देखने मिलता है, जहाँ हम लोग एकदम मुबारक महीना में एकदम आराम से बैठ करके साथ में इफ्तार करते हैं। और इफ्तार का भी एक अलग ही माहौल होता है। और तो गाइस देखिए हम लोग सब दो चार लोग आ चुके हैं, हम लोग बैठ गए इफ्तार करने। मौलाना आजाद का दावत इफ्तार, देखिए मजा आएगा। इतना सारा आइटम है दिखा रहे आप लोगों का। ये आपका ब्लूजम हो गया, इसमें दलीम है, इसमें पराठा है, और ये हैंकरचीफ आपका हो गया, और ये एक में क्या कस्टर्ड है, एक में चिकन कस्सा है एंड खजूर है एंड पानी है। तो इतना सारा आइटम दिया गया है, तकरीबन बहुत अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मौलाना आजाद का इतना इफ्तार होता है, तकरीबन नहीं भी तो कम से कम 500 से 600 आदमी का इफ्तार आराम से हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। और भी मैंने ब्लॉग में दिखा रखा है, जहाँ जहाँ और आप लोग देख लीजिए। आप लोग बैठिए भाई लोग, जल्दी जल्दी बैठिए। आर्मी क्यों आया भाई बताइए, आप थोड़ा बताइए ना। यूनियन रूम में करेगा वो। आर्मी लोग क्यों आया हुआ बताइए थोड़ा। यहाँ पे भी आप लोग क्या पता है शहादत होने वाले हैं, ठीक है ठीक है। आप लोग देख सकते हैं गाइस आर्मी भी आया हुआ आप लोग का मौलाना आजाद का कॉलेज में। कोई भी कॉलेज में आप लोग को आर्मी नहीं मिलेगा, आप लोगों का कॉलेज में आर्मी है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। देख सकते हैं बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है। العصيان واعتقني من النيران يسر لي
حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني देखिए गाइस किस तरह से स्टार करते हो माशाल्लाह, देख सकते हैं गाइस स्टार हो रहा है मौलाना आजाद कॉलेज का शाम के टाइम में। तो भाई बॉस में होने के बाद देख सकते हैं आप लोग कैसे इंतजाम है, कभी भी देर होने से आपको नहीं भी मिल सकता कोई आइटम। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी आइए और ये देखिए हम लोग स्टार के बाद खत्म होने वाला, हम लोग हर बार एकदम फुल तरीका से एकदम मजा मस्ती थोड़ा सा करते हैं। तो गाइस फाइनली आज का स्टार का व्लॉग यहीं पर खत्म होता है, होप्स आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह देखिए खाने के बाद क्या हाल हो जाता है एंड में। कोई नहीं, चलिए चलते हैं फिर।